आज मखाना के बारे में जानने वाले हैं। मखाना के फायदे, उपयोग करने का तरीका, कौन सी बीमारी में कैसे खाना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो से अंत तक बने रहिए, यकीन मानिए ये वीडियो, ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले मखाना की तासीर की बात की जाए तो ये तासीर में ठंडी होती है, लेकिन मखाना ऐसी चीज है जिसे 12 महीने खाया जा सकता है। मखाना पौष्टिक तत्वों का खजाना होता है। मखानों के अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। मखाने पुरुषों में स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाते हैं और महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करने में भी मदद करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मखाना वात और पित्त दोष को दूर करते हैं। अगर कोई इंसान कमजोरी फील कर रहा हो, ताकत में कमी फील कर रहा हो, थकान आलस लगी रहती हो, अंदरूनी कमजोरी क्यों ना हो, उसमें मखाना कमाल का काम करता है। लेकिन इसे खाने का सही तरीका पता होना चाहिए। इसके अलावा शरीर का मोटापा बढ़ा हुआ है, आप इसे हेल्दी तरीके से कम करना चाहते हैं, डायबिटीज यानी शुगर बढ़ा हुआ है, हाई बीपी, कब्ज, पेट से रिलेटेड कोई रोग हो, रात को नींद ना आता हो, हड्डियों में दर्द, अर्थराइटिस, हाथ पैर में दर्द, चेहरे पर बुढ़ापा झलक रहा हो, रिंकल्स, फाइन लाइंस आ गए हो, स्किन हेयर्स की प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप इस मखाना को खाकर इन सभी का इलाज कर सकते हो। इन बीमारियों में आपको आश्चर्यचकित फायदे मिलेंगे और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं मखाना खाने से और कौन कौन से फायदे होते हैं और मखानों का सेवन कैसे करना है, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। मखाना एंटी एजिंग का काम करता है। मखाने में मौजूद फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर सोर्स होते हैं। मखाने हमारे शरीर में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ा देते हैं जो फ्री रेडिकल्स के खिलाफ लड़ते हैं और हमें कई सारी बीमारियों से बचाते हैं। मखाना हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से हमें बचाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारी त्वचा और इम्यून सिस्टम पर होता है। ये आपके स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। मखाने त्वचा को पोषित कर फाइन लाइंस, रिंकल्स से छुटकारा दिलाते हैं। डेली रूटीन में मखाना खाने से चेहरे की झुर्रियों और सफेद बालों की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप अपने स्किन की सुंदरता को बनाए रखना चाहते हैं तो आज से मखाने खाने शुरू कर दीजिए। मखाने का अगला फायदा ये होता है कि ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मखाने में एंटी डायबिटिक और एंटी हाइपरग्लाइसेमिक गुण होते हैं जो हमारे खून में ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं। मखाना खाने से शरीर में इंसुलिन ज्यादा बनती है। जिन्हें शुगर है, इंसुलिन रेगुलर लेते हैं या फिर डायबिटीज की दवाई खाते हैं, उनके लिए मखाना बहुत ही अच्छा होता है। मखाना इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। मखाने का लगातार सेवन करने से आपको ज्यादा तंदुरुस्त और एक्टिव फील होने लगेगा, खुद में महसूस करोगे। मखाना खाने के अगले फायदे की बात की जाए तो मखाने डायबिटीज को तो कंट्रोल करते ही हैं, ये आपको डायबिटीज होने से भी बचाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज आपको भविष्य में कभी भी ना हो तो आपको मखाने जरूर खाने चाहिए। ऐसा मखानों के एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण होता है। मखाने का अगला फायदा यह है कि ये पुरुषों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मखाने स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं जिससे पुरुषों का फर्टिलाइजर रेट बढ़ जाता है। मखाने नाइट फॉल से भी बचाते हैं दोस्तों। जिन बच्चों के नाइट फॉल होते हैं उनको जरूर मखाने खाने चाहिए। मखाना खाने का अगला फायदा यह है कि हमारे कार्डियक हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इनकी एंटीऑक्सीडेंट क्रिया कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण भी प्रदान करती है। ये दिल की बीमारियों से बचाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में भी यह बहुत अच्छा होता है। मखाने में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सही करके ब्लड प्रेशर को कम करता है और हाई बीपी में राहत देता है। जो इंसान हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रेस से पीड़ित हैं, उनके लिए मखाने का सेवन काफी लाभदायक होता है। मखाना खाने का अगला फायदा यह है कि यह हमें थकावट से बचाते हैं। मखानों में एंटीफिटिक गुण होते हैं जो हमारी थकावट को दूर करते हैं। मखाने थकावट का बहुत अच्छा घरेलू इलाज है। ये स्ट्रेस को दूर करते हैं, हमारे स्टेमिना को बढ़ाते हैं और हमारे एनर्जी लेवल को इंक्रीज करते हैं। मखाने का अगला फायदा यह है कि आपके वजन को कम करने में मदद करते हैं। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, साथ ही फैट भी बहुत कम मात्रा में होता है, तो थोड़ा सा मखाना खाने से आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा, उसके कारण आप ज्यादा कैलोरी इंटेक नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं तो उन्हें शाम के वक्त भूख लगती हो तो इससे बढ़िया नाश्ता कोई और हो ही नहीं सकता। ये कम कैलोरी वाला भोजन उनके पेट को भरा महसूस करवाएगा और उनकी भूख को शांत करवाएगा, बदले में आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज है,
उनकी समस्या में भी बहुत लाभकारी है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो तो आप शाम के वक्त या फिर सुबह के वक्त मखाने का सेवन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वजन बढ़ाना है, आप काफी दुबले पतले हैं, तो मखाने को दूध के साथ खाइए। एक गिलास दूध के अंदर 3 से 4 भीगे हुए बादाम और 1 से 1.5 मुट्ठी मखाने डाल दीजिए। दूध को उबालिए और रात को सोने से पहले मखाने को चबा चबा कर खा लीजिए और दूध पी लीजिए। इसका सेवन सुबह भी किया जा सकता है। आप चाहें तो मखाने का पाउडर बनाकर 2 से 3 चम्मच की मात्रा में मखानों का पाउडर भी दूध में ऐड करके ले सकते हैं। अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो बगैर दूध का मखाने का सेवन कीजिए। मखाने का सेवन करने का 2-3 तरीके बताता हूं मैं, आप इनमें से किसी भी तरीके से सेवन कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मखाने को दूध के साथ भी लिया जा सकता है। जिनको वजन बढ़ाना हो, जिनके अंदर अंदरूनी कमजोरी है, स्पर्म काउंट की कमी है, तो उन्हें मखाना और खसखस वाला दूध लेना चाहिए। 1 चम्मच भीगे हुए खसखस और 1 से 1.5 मुट्ठी मखाना 1 गिलास दूध के अंदर उबाल लीजिए। मिठास के लिए मिश्री डाल दीजिए और इस दूध को रात को सोने से 1 घंटे पहले पीजिए। इस तरह से लगातार 30 से 35 दिनों तक लेने से आपकी अंदरूनी कमजोरी दूर हो जाएगी। हाथ पैर में दर्द की समस्या है, शरीर में दर्द की समस्या है, या फिर किसी भी तरह की कमजोरी है, ये दूर करके आपके शरीर को तंदुरुस्त बना देगा। यकीन मानिए, आप प्रयोग करके जरूर देखिएगा। लगातार कम से कम 30 दिनों तक करके देखिए, पुराने से पुरानी कमजोरी भी आपकी दूर हो जाएगी। आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो थोड़े से घी में मखाने को भून लीजिए। इसमें काली मिर्च, जीरा पाउडर और करी पत्ता डालकर इसका सेवन कीजिए। सुबह शाम दोनों समय 1-1 मुट्ठी आप भुने हुए मखाने का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मखाने को आप ऐसे ही खा सकते हैं, 1 से 1.5 मुट्ठी मखाना लीजिए, जब भी भूख लगे ऐसे ही चबा चबा कर खा लीजिए। तो दोस्तों, ये है मखाना खाने के फायदे। अब मैं आपको बताता हूं मखाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, मखाना में फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो इसलिए ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें। रोजाना 20 से 30 ग्राम तक मखाने का सेवन कर सकते हैं, यानी 2 से 3 मुट्ठी, 4 मुट्ठी तक मखाना खा सकते हैं, इससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन इससे ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम ना करें। आप अगर इसका सीमित मात्रा में सेवन करेंगे तो शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, बच्चों को भी मखाना खाने को आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो जानकारी कैसे लेगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।